दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आलू को काट दिया है छोटे छोटे टुकड़े, प्याज भी काट दिया हूँ और लहसुन अदरक और मिर्ची को भी बारीक कर दिया हूँ। मैं एक टमाटर लिया हूँ और मैंने चना भिगा के रखा है यहाँ पे। चना भी पूरी तरह से भीग के तैयार है, तो चलिए अब बनाते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको आज का चना मसाला। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, मैंने टॉप को रख दिया है गैस पे। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप कौन सा तेल खाते हो यूज कर सकते हो। मैंने ये डाल दिया तेल। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये थोड़ा जीरा डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। और हम डालते हैं पचफोरन, इसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं, ये है पचफोरन। इसमें सौंफ, सरसों, मेथी और सब इसमें मिक्स होता है। इसको डालने से थोड़ी सब्जी टेस्टी हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। दोस्तों, देख सकते हैं, जैसे कि ये गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन, मिर्ची और अदरक। इसको थोड़ा सा लाल करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज।